दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी के फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेकॉन एंड टेक पर। तो दोस्तों काफ़ी कमेंट आ रहे थे यहाँ पे व्यूअर्स के कि ग्रीन राशन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें और इसमें जो है सदस्य को कैसे जोड़ें, तो पूरी इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों इसके बारे में। तो साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल करें ताकि सरकारी योजना से कोई भी वीडियो आपसे वंचित ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों आपको हम बता देते हैं बिना देर करते हुए कि आपको जो है ग्रीन राशन कार्ड का स्टेटस यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो कैसे चेक करेंगे, और साथ ही साथ इसमें अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जोड़ना चाहते हैं तो आपको कहां से ये ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, साथ ही साथ एक शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों देखिए आपको चले आना है ahar.jharkhand.gov.in के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप आ जाएँगे तो आपको देखिए इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आपको क्रोम ब्राउजर में ही इसे ओपन करना है। और यहाँ से देखिए दोस्तों थ्री डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइड मोड पे आपको कर लेना है अगर नहीं है तो। तो देखिए आप यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे आपको अगर अपना स्टेटस चेक करना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सेवा का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन स्थिति, तो आवेदन स्थिति वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपने जब अप्लाई किया था तो अप्लाई करते वक्त यदि आपका जो है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो देखिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर। और यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में आपको इंटर करना है आपको अपना राशन कार्ड नंबर, अगर आपको मिल गया है अप्लाई करने के बाद तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। उस अगर राशन कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पे इंटर एक्नॉलेजमेंट नंबर तो ज़रूर ही आपको आपके उस फॉर्म में अप्लाई करने के बाद मिला होगा। तो देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर या तो यहाँ पे डाल दीजिए या फिर अपना जो है राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों राशन कार्ड इन दोनों में से एक को आपको डालना है और उसके बाद से यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया है अपने राशन कार्ड में वो डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्टिविटी में आप जाएंगे यहाँ पे, तो नया राशन कार्ड के लिए आपने आवेदन किया था और यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद परिवार के सदस्य को जोड़ना, डीलर बनाने कार्ड का प्रकार बदलना, मोबाइल नंबर में सुधार, परिवार सदस्य का नाम परिवर्तन, मुखिया परिवर्तन, राशन कार्ड सरेंडर। तो नया राशन कार्ड के लिए आपने आवेदन किया था इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद से ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद चेक स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। अभी दोस्तों आप बात करते हैं कि आपको अपना सदस्य इसमें कैसे जोड़ना है। तो देखिए अब हम आएंगे वापस इसी बैक साइड पे आएंगे तो बैक साइड पे आने के बाद यहाँ पे हम फिर से इसी वाले ऑप्शन पे जाएंगे ऑनलाइन सेवा के, तो इस वाले ऑप्शन पे आप ही को क्लिक करना है और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखेंगे आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर ऑनलाइन आवेदन, तो ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। देखिए ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद दिए गए यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी आप चेंजिंग कर सकते हैं सब कुछ आपको इस पेज में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन ख़ास बात यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है कि नाम में अगर आपको नाम से सुधार के लिए संबंधित अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी से जो है संपर्क करना होगा, तभी आपका नाम में कुछ यहाँ से सुधार कर पाएंगे। बाकी जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सब ग्रीन है, तो यहाँ पे जितने भी सुधार हैं इसमें सब दिए गए हैं, आपको सब पढ़ लेना है। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे प्रोसीड का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो सर्वप्रथम हमें मिल जाता है परिवार के सदस्य को जोड़ना, तो इसे हम सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर कर देंगे क्लिक, तो जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी आपसे आपका राशन कार्ड नंबर मांगा जाएगा और मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो दोस्तों पूरा का पूरा ब्यौरा निकल के आ जाएगा। और नीचे दोस्तों आप जाएंगे, नीचे आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए जो पहले से इसमें जिनके नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उनका जो है आधार नंबर और नाम डाल करके पहले वेरीफाई करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जितने भी परिवार के मेंबर से यहाँ पे जोड़ना होगा। मैं आपको एक जो है इमेज दिखा देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा इसके अगला पेज।
देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का पेज आपको देखने को मिलेगा। आप इस तरीके का पेज खुलेगा, लेकिन यहाँ आपको काफ़ी लंबा चार्ट खुलेगा, तो इसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे ये वाला ऑप्शन आपको दिया रहेगा ऐड न्यू फैमिली मेम्बर का। तो इसके ऊपर एक ऑप्शन और रहेगा दोस्तों, जिसमें आपको मुखिया का जो है नाम डालना है, उनका आधार नंबर, उसके बाद वेरीफाई करना है। जैसे उनका वेरीफाई हो जाएगा तो आप इस वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर मेम्बर्स को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मेम्बर्स नेम लिखना है, उसके बाद पूरा पता भरना है, उसके बाद यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है नीचे वाले पर। उसके बाद पुनः आएंगे, फिर से यहाँ पे मेंबर्स को जोड़ सकते हैं आसानी से। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, यही जानकारी से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।